श्वेत मॉडर्न की पुस्तक सफलता की कुंजी अपने को पहचानने का अगला नियम, आप कौन है, क्या है। हम अपना चेहरा देखते हैं, साज श्रृंगार देखते हैं, अपने को पहचानते हैं कि यह हमारा चेहरा है, पर क्या कभी हमने अपने को दर्पण में देखकर यह प्रश्न पूछा है, हम कौन है। क्या इन प्रश्नों को कभी भी अपने मन में पूछा है, अपने को पहचानने की कोशिश की है, चेहरे मोहरे से पहचानना और बात है, पर अपना वास्तविक रूप जानना और बात है। दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य का अपने को पहचानना सबसे कठिन कार्य है। कोई मनुष्य स्वयं को पहचान नहीं सकता, वह हमेशा अपने बाहरी रूप के छलावे में रहता है। वास्तव में जिस समय मनुष्य अपने को पहचान लेता है, उस समय वह सही अर्थों में मनुष्य हो जाता है। अपने सारे गुण, सारी शक्तियां वो जान लेता है। अपना आत्मबोध होते ही चित्रकार तुरंत प्रगति उन्नति की ओर बढ़ जाता है। पेरिस का महान चित्रकार राफाएल दा विंची बदशक्ल था। चपटी नाक, टेढ़ा सा चेहरा, मोटे होंठ और चकचके दाग। जब भी वह अपना चेहरा आईने में देखता तो उसको अपने आप से नफरत हो जाया करती थी। अचानक एक दिन अपना चेहरा देखते समय उसके मन में प्रश्न उठा, इतना बदला चेहरा लेकर मैं क्या करूंगा, आखिर किस लिए मेरा जन्म हुआ है। आत्मा से यकायक उत्तर मिला, असुंदर के कारण सुंदर का मूल्य है, तुम असुंदर सौंदर्य की सृष्टि के लिए जन्मे हो। बस क्या था, वह चित्रकार बन गया। जितने सौंदर्यमय चित्र विंची ने बनाए हैं, उतने दुनिया में किसी भी चित्रकार ने नहीं बनाए। वह चित्रकला में सौंदर्य का जनक जना गया। उसके चित्रों ने तहलका मचा दिया, उस पर सुंदरियां मुग्ध हो गईं। वह विंची की बद शक्लें में भी उसके चित्रों की झलक पाते थीं। वह अनेक सुंदरियों का चेहरा बन गया। अगर विंची में यह गुण नहीं होता, उसने अपने आत्मा को न पहचाना होता, तो अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकार न बनता, तब साधारण मनुष्य बनकर रह जाता। कोई भी रूपति उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखती। विंची ने अपने आत्मकथा में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। यह एक सत्य है कि मनुष्य जब अपने घेरे से बाहर निकलकर एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में अपने आप का तटस्थ भाव से निरीक्षण करता है, तो वह अपने को पहचान लेता है। तब उसकी अंतरात्मा में सोए तमाम गुण अपने आप जाग उठते हैं, उसकी संपूर्ण आत्मिक शक्तियां जाग उठती है, अपने आप उसमें एक देवी शक्ति का संचार हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की तमाम आत्मिक शक्तियां जाग उठती हैं, तब वह वास्तव में महान बन जाता है। निरंतर वह प्रगति की ओर ही अग्रसर होता है, उसकी आशा का जागरण होता है। न्यूयॉर्क के विद्यालय की एक प्रिंसिपल की एक पुस्तक मैंने पढ़ी है। अपने जीवन का अनुभव बतलाते हुए उसने लिखा है कि जब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि इस दुनिया में आकर मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मैंने अनुभव किया कि मेरे बाह्य रूप के अलावा भी मेरे भीतर कोई और है। उस और को मैंने पहचाना, वह मुझे बड़ा शक्तिशाली और निर्बल लगा। मैंने उसका सहारा लिया, तब से यह विद्यालय ही मेरा लक्ष्य बन गया। सारी दुनिया मेरे लिए कार्यक्षेत्र बन गई है। अपने नारी जीवन को पहचान कर एक महिला केवल एक अध्यापिका ही नहीं, वरन जीवन के कई क्षेत्रों में काम करने वाली महिला है। वह न्यूयॉर्क की एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गई है। इस महिला का कथन एकदम ठीक है, उसकी अनुभूति एकदम सच है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, एक और तत्व रहता है। आप स्वयं इसे महसूस कर सकते हैं, आपके भीतर किसी और का व्यक्तित्व है। योगियों की भाषा में इसे सूक्ष्म शरीर, दार्शनिकों की भाषा में आत्मा और जनसाधारण की दृष्टि में ईश्वर कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक ने इसे अचेतन मन की संज्ञा दी है। भीतर की इस ओर को पहचान लेने पर मनुष्य को अपनी शक्ति का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। इस बात को जान जाता है कि वह क्या कर सकता है। कठिनाई यही है कि मनुष्य अपने भीतर बैठे उस ओर को नहीं पहचान पाता है। इस ओर पर बड़ा मोटा पर्दा पड़ा रहता है। मनुष्य अपने बाह्य जगत में इतना व्यस्त रहता है कि उसको पहचान नहीं पाता। भीतर झांकने का अवकाश ही नहीं मिलता है।
अगर थोड़ा अवकाश मिला भी तो वह अपना स्वरूप ठीक से समझ भी नहीं पाता है। लोगों को उनकी आंतरिक शक्तियों से परिचित कराना उसके विशाल दायरे और विराट मगर विविध आयामी गौरव का ध्यान कराना दुनिया का सबसे कठिन कार्य माना गया है। सदियों से साधु संत वैज्ञानिक यही महत्वपूर्ण कार्य करते चले आ रहे हैं। वास्तव में संसार की प्रगति सभ्यता का विकास वही लोग करते आ रहे हैं जो इस ओर से परिचित होते जाते हैं। वही सब मानव उद्यान के सुंदर से सुंदरतम पुष्प हैं, बाकी तो सब पुष्पों के आसपास उगने वाली घास खरपतवार है। तो दोस्तों आप कौन हैं, क्या हैं? शीर्षक समाप्त होता है।